पीएम मोदी इस बात से नाराज है कि केंद्र के मंत्री ट्वीट के द्वारा सिर्फ अपने अपने मंत्रालय के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वे सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। सूत्रों के अनुसार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से इस पर नाराजगी भी जाहिर की। कैबिनेट की बैठक के दौरान पीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे सरकार की उपलब्धियों से संबंधित खबरों को भी रीट्वीट करें। 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को भरूच पहुंचे। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भाजपा की सरकार केवल 10 उद्योगपतियों के लिए है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी रानी पेमा जेतसुन वांगचुक और राजकुमार जिग्मे नामग्याल वांगचुक भी भारत यात्रा पर आए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया के सामने मैनिफेस्टो के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने जारी किया है। नोएडा में बाबा रामदेव की फूड एंड हर्बल पार्क बनाने के लिए आवंटित की गई भूमि पर लगे हजारों पेड़ों को नष्ट करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में आतंकियों के लिए पनाहगाह सहन नहीं करेगा। यूएन में अमेरिकी एम्बेसडर निक्की हेली ने ये बयान दिया है। निक्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा भारत में स्ट्रेटेजिक अलायंस आतंकवाद से जंग और उस इलाके में अमन के लिए जरूरी है। अब इसी कोच के हर यात्री की आईडी चेक की जाएगी। कई यात्री एक ही पीएनआर पर यात्रा करते हैं और उनमें से एक के पास ही आईडी होती है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब एक पीएनआर पर यात्रा करने वाले हर यात्री को अपनी आईडी लेकर चलना होगा। इसे नए टाइम टेबल के साथ 1 नवंबर से सभी ट्रेनों में लागू कर दिया गया है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 93 रुपए और सब्सिडी वाला 4 रुपए 56 पैसे महंगा हो गया है। जेट फ्यूल का रेट भी 1000 रुपए प्रति किलोलीटर से ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में 30 पायदान के सुधार से बुधवार को घरेलू स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 387 अंक बढ़कर 33,600 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 105 अंक चढ़कर 10,441 अंक पर बंद हुआ है। करीब 7 साल पहले आई रोबोट के सीक्वल यानी 2.0 चर्चा में है। 27 अक्टूबर को दुबई में फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ और सिर्फ इस इवेंट पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब अक्षय कुमार के एक पोस्टर ने इंटरनेट खिला दिया है। अक्षय इस पोस्टर में बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार ऐसी आवाज के साथ सामने आएंगे जो उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं निकाली है।